हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानते हैं, हर व्यक्ति अपने दांतों को स्वस्थ रखना चाहता है, अपने मसूड़ों को स्वस्थ रखना चाहता है, अपने दांतों को सुंदर रखना चाहता है। तो इसके लिए हमें कौन सा, कितना क्वालिटी भरा, कौन सा अच्छा टूथपेस्ट है, वो हमें चूज करना चाहिए। चलिए, हम बाहर मार्केट का ऐसे 3 प्रोडक्ट लिए हैं और RCM बिजनेस का 1 प्रोडक्ट लिए हैं। ये चारों जो प्रोडक्ट है उसका हम डेमो करके दिखाएंगे कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट आपके दांतों के लिए अच्छा है, सूटेबल है, सस्ता भी है और अच्छा भी है, किस प्रोडक्ट में कितनी अच्छी क्वालिटी है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, हमने देख सकते हैं, आप बाहर मार्केट के 4 प्रोडक्ट लिए हैं। ये आप देख सकते हैं, बाहर मार्केट का कोलगेट लेमन सॉल्ट करके कोलगेट लिए हैं, जिसका MRP आपको 55 रुपया 100 ग्राम का है। वैसे मैंने छोटे पैक लिया पेप्सोडेंट का, ये आप देख सकते हैं 10 रुपये MRP है और ये लगभग आपका 20 ग्राम का है। उसके बाद दंत क्रांति लिए हैं आप, ये भी आपको 20 ग्राम में 10 रुपये मिल रहा है। उसके बाद हमने लिया है, ये आप देख सकते हैं, ये RCM का क्योगो हर्बल टूथपेस्ट है, जिसका प्राइस जो है आपको मिलेगा 48 रुपये में और इस आपको एसोसिएट होते हैं तो आपको 38 रुपये में मिलता है। तो इसके बाद ये भी 100 ग्राम का है। इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए ये मेडिकल में आपको अवेलेबल हो जाएगा 70 रुपये 100 रुपये के आसपास में। बेटाडीन किस तरह से हमारे जो केमिकल को प्रदर्शित करता है और बैक्टीरिया को प्रदर्शित करता है, हमारे दांतों में किस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो दांतों को सड़न पैदा कर देता है, दांतों में सड़न पैदा कर देता है, केविटी पैदा कर देता है, दांतों को सड़ा देता है, तो उस जो बैक्टीरिया है उस सड़न को किस तरह से हमारे मुँह से भगाता है, इसी के बारे में ये डेमो के द्वारा जानेंगे। कि समान मात्रा में हम पानी लेते हैं, इतना आधा गिलास पानी लेते हैं इसमें, उसके बाद इसमें भी आधा गिलास पानी लेते हैं, उसके बाद चौथे गिलास तीसरे गिलास में भी आधा गिलास पानी ले लेते हैं, उसके बाद इसमें भी पानी ले लेते हैं। आप देख सकते हैं सभी में समान क्वांटिटी में पानी हो गया। उसके बाद इसमें हम हमारे मुंह में जिस तरह कैविटी होता है, गंदा कर देता है दांतों को, उसी तरह से हम बेटाडीन से इसमें बराबर मात्रा में बेटाडीन डालेंगे ताकि ये पानी का कलर जो है चेंज हो जाए और क्वालिटी जो है इसमें, यानी कि किस प्रोडक्ट में क्वालिटी है, वो हम तभी पता कर पाएंगे कि ये पानी को जो प्रोडक्ट साफ कर देगा वो उसका क्वालिटी अच्छा है। तो चलिए, इसमें भी हम 5 बूंद डालते हैं। ये देख सकते हैं, 1 हो गया, 2 3 डालते हैं, 4 5। अब इसमें भी डालते हैं 5-5 बूंद, 1 बूंद, 2 3 4 5। इसमें भी 5 करते हैं, 1 2 3 4, ये हो गया 5। इसमें भी 5 करते हैं, 1 2 3 4, और ये हो गया तो 5। चलिए, इसमें आप देख सकते हैं सभी में समान मात्रा में पानी जो है कलरिंग दिखेगा, उसके हिसाब से हम और डाल देंगे। अगर किसी में कम होगा किसी में ज़्यादा होगा, जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप, इसमें थोड़ा सा और डालना पड़ेगा, कम हो गया है, तो हम पानी कलर से जानेंगे कि इस समान मात्रा में हमारा जो पानी है वो कलरिंग समान मात्रा में होना चाहिए। तो इसमें भी इसको हम समान कर लेते हैं, इसी तरह से लाल इसको भी कर लेते हैं हम, ये हो गया, और इसमें भी थोड़ा कम दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर भी इसका थोड़ा गाढ़ा हो गया, या तो एक काम करते हैं, इसको हम सबको एक साथ मिला देते हैं, ठीक है, ताकि आपको डाउट ना हो कि इसमें कम डला है, इसमें ज़्यादा डला है। इस तरह से करते हैं, पहले मैं चम्मच को इधर करता हूँ। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक दूसरे में मिलाते हैं, ये देख सकते हैं, इस तरह से मिलाते हैं, इस तरह से मिला देते हैं तो बराबर ये हो गया, ठीक है। अब ये देख सकते हैं, चलिए अब कौन सा गिलास किसका है, इसमें क्या है, बदला बदली हो गया। अब देख सकते हैं सभी में एक हम अपने चम्मच को डालते हैं, ये अब देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखो अब समान मात्रा में दिख रहा है। तो ये आपका क्योगो करके है, क्योगो का हम ये पैक लेते हैं हम, यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसको जो
जिस टूथपेस्ट में क्वालिटी होगी, हमारे मुंह की जो गंदगी को साफ़ कर देगी, उसी तरीका से इसमें अगर साफ हो जाता है तो हमारे मुंह के जो जितनी कैविटी है, दुर्गंध है, हमारे सड़न है दांतों में, वो सारे चीज़ों को साफ़ कर देती है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले RCM का क्यूगे जो टूथपेस्ट है इसको हम डालते हैं। इसमें जितना डाल, ये देखिए इतना हम डाल देते हैं इसमें, इस तरह से ये मैंने डाल लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने उठाया पतंजलि का, ये देख सकते हैं रामदेव बाबा जी वाला, इसमें भी हम जितना उसमें डाले हैं इसमें भी उतना ही डालते हैं। ये हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका, देख सकते हैं पेप्सोडेंट। ये पेप्सोडेंट है, इसमें इसकी फिर क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हो गया, ये देखिए इसमें भी उतना ही डालते हैं जितना सभी में डाले हैं। ये देख सकते हैं ये हो गया, ये पेप्सोडेंट जो है फेमस कंपनी है ये भी, ये देख सकते हैं पेप्सोडेंट। उसके बाद आता है ये आपका, देख सकते हैं यहाँ पर कोलगेट एक्टिव लेमन साल्ट, जो नींबू, इसको हम डालते हैं, इसको भी समान मात्रा में डाल लेते हैं जी। हाँ दोस्तों, ये सारे पेस्ट को हम मिला देते हैं इसमें, इस तरह से मिला देते हैं। ये टूथपेस्ट का हो गया, मिल गया। अभी आपका रामदेव बाबा वाला भी मिला देते हैं, ये देख सकते हैं। उसके बाद ये पेप्सोडेंट का मिला वाला है, पेप्सोडेंट वाला को मिला देते हैं। अब उसके बाद कोलगेट क्या है, तो कोलगेट सकते हैं। यहाँ पर सारी जो जितने भी ग्लास है उसमें चेंजेस आना चालू हो गया है। तो चेंजेस उसी क्वालिटी में अच्छा कर देगा जिसमें क्वालिटी ज़बरदस्त होगा, बेहतरीन होगा, और आपकी जो ये प्रोडक्ट है उसकी जो उच्च गुणवत्ता वाला होगा, वही प्रोडक्ट इस पानी को क्लियर कर पाएगा। तो अभी भी थोड़े देर में ही स्पष्ट हो गया, ये आप देख सकते हैं, ये आपका क्यूगे टूथपेस्ट का है। ये देख सकते हैं RCM का, ये भी पानी को किस तरह से साफ कर चुका है। उसके बाद पतंजलि भी बेस्ट कंपनी का है, ये भी देख सकते हैं, ये भी अच्छी तरीके से साफ हो गया है। उसके बाद बात करते हैं ये पेप्सोडेंट का है, ये देख सकते हैं जो बेटाडीन का कलर था लाल, वो उसी कलर में अभी तक है, क्योंकि उसके मुकाबले में ये दोनों का कलर जो है चेंज हो गया है। इसका इसमें भी देख सकते हैं, ये भी कलर जो है कोलगेट पेप्सोडेंट अब पतंजलि, ये सारे तीनों प्रोडक्ट में फ्लोराइड है, 1000 PPM फ्लोराइड है। वो आपका कोलगेट पेप्सोडेंट में 1000 PPM आपको फ्लोराइड मिलेगा, जो बहुत ही खतरनाक होता है, जिसमें इंस्ट्रक्शन साफ साफ लिखा होता है कि 6 साल की कम उम्र के बच्चे को इस टूथपेस्ट को डॉक्टर या जो डेंटिस्ट है उसके निगरानी में इसको दिया जाए। उसके बाद RCM बिजनेस का जो केविगर टूथपेस्ट है इसमें आपको मिलेगा नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट, 6 साल की कम उम्र के बच्चे को दे सकते हैं क्योंकि इसमें फ्लोराइड का मात्रा नहीं है। उसके बाद इसको जब बच्चा मीठा के कारण उसको अंदर निगल जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जैसे कि फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो सकती है, ऐसे बहुत सारे डिसीज हो सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।